अच्छे समाज के लिए। आज की तारीख में अवसर कम है, इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है। दूसरी चीज जो आपने बताया, एक फैमिली को कितनी बार मिलना चाहिए, मैं इसको इस तरीके से नहीं रखूंगा, लेकिन आपकी ही बात में दूसरी तरीके से रखूंगा, जो आम आदमी पार्टी की भूमिका है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए किसी भी स्थापना में जो सीट रिजर्व है वो अंतिमता उसी कैटेगरी के लिए रिजर्व होंगी, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर बेनिफिशरीज तय करने की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वहां कतार के आखिरी में जो खड़ा है उसको पहले अवसर मिलना चाहिए। इस तरीके से समझ रहे नहीं, मैं फिर से बता नहीं, शेड्यूल शेड्यूल कास्ट के लिए मान लीजिए कि कहा कहीं पे 10 जगह आरक्षित है और उसके लिए शेड्यूल कास्ट में से ही मान लीजिए कि 1000 अर्जी आ गई, तो उस 1000 में से 10 शेड्यूल कास्ट के लाभार्थी चुनने के लिए इस तरीके से ढूंढने चाहिए वो कि देखिए ये जाति आधारित भी नहीं है, ये जाति समूह आधारित है। शेड्यूल कास्ट में कई जाति समूह है, ओबीसी में कई जाति समूह है। अभी ये हो ये रहा है कि उन जाति समूह में कुछ चुनिंदा जातियां ही बेनिफिट ले रही है और उसमें भी कुछ चुनिंदा फैमिलीज इस्तेमाल कर रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी उस स्थापना में उस जाति समूह के लिए सीटें आरक्षित होगी वो उनके लिए ही आरक्षित होगी, ये पहला क्लॉज। लेकिन उनमें से लाभार्थी जब ढूंढेंगे तब जो सबसे गरीब है और जो सबसे जरूरतमंद है, सबसे गरीब जातियां और सबसे जरूरतमंद फैमिलीज वो ढूंढ के, इसका मतलब मैं बता रहा था कि जो कतार में सबसे आखिर में है उसको सबसे पहले अभी अवसर मिलना चाहिए और जो उस कतार में आगे है उसे बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा अभी रुको आप, क्योंकि आप कतार में आगे आए इसका मतलब है कि आपको कुछ मिला तो अभी रुकी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन की बात है, तो रिजर्वेशन का फायदा जरूरतमंद और गरीब फैमिलीज को ही मिले इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। जो आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार मिला तो दूसरी बार नहीं मिलना चाहिए, इससे थोड़ा सा कटुता आती है। तो कटुता आने के बजाय हम अगर ऐसा कहें कि आप में से ही जरूरतमंदों को पहले नंबर चाहिए तो ये बात। दूसरी बात यह है कि सवर्ण समाज में भी समस्याएं, सवर्ण समाज में भी समस्याएं हैं, शिक्षा की है और नौकरियों की भी है। आम आदमी पार्टी ये रिकॉग्नाइज करती है, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि सवर्ण मतलब मराठा ब्राह्मण इनमें भी समस्याएं है, इनमें भी गरीबी है, पॉवर्टी है, लेकिन जाति आधारित विषमता और उसके उससे चलते सोशल जस्टिस और गरीबी की समस्या, इन दोनों में फर्क होता है। तो सवर्ण समाज में गरीबी की समस्या है, आम आदमी पार्टी उसको रिकॉग्नाइज करती है, ये समस्या है उसको हल करना चाहिए और उसका उत्तर सही आर्थिक नीति में। अगर सही आर्थिक नीति हमने अपनाई तो सवर्ण समाज में जो गरीबी है उसका भी हल हो सकता है। लेकिन अंततः अवसर 10 होंगे, मांगने वाले 100 होंगे, यही स्थिति सालों तक चलेगी। ये मान के ये 10 अवसर किसको बांटे ये लड़ाई करने के बजाय आम आदमी पार्टी मानते हैं कि अगर मांगने वाले 100 है तो अवसर 100 पैदा क्यों नहीं होते, ये लड़ाई होनी चाहिए। अगर ये लड़ाई करेंगे हम तो रिजर्वेशन का मसला ही खत्म हो आपने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक आईएएस दलित आईएएस है तो उसका बेटा मैं मानता हूँ कि वो कतार में सबसे आगे है। आईएएस दलित का बेटा कतार में सबसे आगे है और मैं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन का फायदा कतार में जो सबसे पीछे उसको मिलना चाहिए, तो मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन कटुता पैदा न करने वाली बात में मैं कह रहा हूँ इतना ही। दूसरा, वैसे भी तो ये रिजर्वेशन चर्चा इस तरीके से हम कितने सालों करें, आप जैसे बोल रहे हो वही है, वो खत्म नहीं होने वाली है जब तक हम हमारा एजेंडा नहीं बदलता। और वो एजेंडा मैं जो कह रहा हूँ कि अगर मांगने वाले 100 है तो अवसर 100 पैदा क्यों नहीं होते, ये लड़ाई जब तक हमारा एजेंडा नहीं बनती तब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं होने वाली, तो यही लड़ाई बढ़ने वाले करने वाले करनी होगी। कौन ऐसा चाहेगा, कोई अगर चाहेगा भी गलत है, कोई दलित अगर ऐसा कहेगा इस देश में शिक्षा और रोजगार सिर्फ दलितों को मिलनी चाहिए, ब्राह्मण मराठा को नहीं मिलनी चाहिए, भारत का संविधान ये कबूल नहीं करता। भारत का संविधान यही कहता है कि सबको मिलना चाहिए, वो सबको मिले इस तरीके की आर्थिक नीति हमको लानी पड़ेगी, तब रिजर्वेशन खत्म होंगे। और रिजर्वेशन खत्म होनी ही चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन रहे समाज में ये कोई निरोगी समाज व्यवस्था का लक्ष्य तो है नहीं है।
इसपे अरविंद केजरीवाल जी ने भी टीवी पे कहा था, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, आप जस्ट गूगल करके देखिए यूट्यूब पे, कि उन्होंने कहा था ये चीज कि जिनको ऑलरेडी मिल चुका है बेनिफिट उनको ना देके, जिनको नहीं मिला है उनको दे, बार बार एक ही फैमिली को ना मिले, बट उस तरीके से ही कहा था, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि अभी हम एक दो क्वेश्चन साथ में ले लें और फिर एक ही सवाल का आंसर। हेलो, पहले तो मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप कुछ 50% लोगों को मौका दे रहे हो वोट करने का जो वोट नहीं करता था, मतलब आपने एक विकल्प दे दिया हम लोगों को। और दूसरा ये है, मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की 275 सीटें आ जाएंगी, मैं मानता हूं आपसे, इसमें मेरा बस ये है कि आज जो हमारे नेता हैं, जो भी हैं, नगर प्रमुख ले लो, सभासद ले लो, सांसद ले लो, हमें अपने ही जिले के, अपने ही मोहल्ले के नगर सेवक का ये नहीं पता चलता कि इसकी इनकम कैसे बढ़ी। जैसे आपने बताया कि आप लोग देंगे, मतलब एक रिपोर्ट कार्ड हम चाहते हैं कि आप ये भी करें कि भले सभासद हो, भले विधायक हो, भले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इन सबका रिपोर्ट कार्ड हम लोगों को ऑनलाइन देखना चाहिए कि इसने क्या किया, इसका पैसा कितना था, कैसे आया। जैसे अभी मैं जिस मोहल्ले से हूँ, वहां का जो नगर सेवक है उसके पास 16 गाड़ियां हैं और किसी की भी कीमत 50 लाख से कम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई साहब ये कौन सी जॉब है। तो मैं चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट कार्ड आपको जरूर, बिल्कुल ये रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा, ये हम दोनों की तरफ से वादा है। फिलहाल हम दोनों के पास एक भी गाड़ी नहीं है। लेकिन उससे हमारा काम कभी रुका भी नहीं है। गाड़ी नहीं है तो हमें कोई ऐसा महसूस नहीं होता है कि कुछ रुका भी नहीं, आपको रुका भी नहीं काम हमारा। अभी किसी दूसरे की मारुति 800 लेके आए हैं, मान लीजिए थोड़ी एक आधी गाड़ी आ भी जाएगी छोटी हमारी, तो कैसे आ गई ये भी हम बता देंगे। छोटी गाड़ी तो हो सकता है आ भी जाएगी, नहीं चाहिए क्या काम किया आपने, रिपोर्ट कार्ड भी आएगा, बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड भी आएगा आपके साथ। बहुत से लोग बाहर से आते हैं जैसे एमपी, यूपी और दिल्ली, जब उनको जाना होगा तो फ्राइडे को हमारा शाम को हम निकले तो आराम से 2 दिन छुट्टी का यूज कर सकते। और जो रेलवे है उतना पॉलिटिसाइज है तो उसमें कमी नहीं होता, एक ट्रेन है तो आपको मजबूरी में या तो सीट नहीं मिलेगी या एजेंट को पैसा दे करो, तो हमको मजबूर करते हैं कि या तो आप भ्रष्टाचार करो या आप जाओ ही मत। और अगर कोई अच्छी ट्रेन चलती है तो पता चला सोमवार या मंगलवार को चल रही है, कौन जाना चाहेगा, वहाँ से चलेगी तो वो शुक्रवार को चल रही तो शनिवार को कौन है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें भी, और एक ट्रेन में इधर में 35-35 साल से मतलब चुनाव रहे ना रहे, रेलवे प्रशासन से रेलवे प्रवासी संघ के नाते हम निश्चित रूप से ये बात जरूर उठाएंगे। मैं और एक मिनट लेना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी भारत में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोगों के तरफ किस तरह से देखती है। आम आदमी पार्टी मानती है कि भारत एक प्लूरल सोसाइटी है, अलग बहुभाषिक बहुधार्मिक लोग इस समाज में रहते हैं और सबको यहाँ इज्जत के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए। भारतीय संविधान ने सबको उपासना का अधिकार दिया है और उसके साथ साथ कुछ उस पर बंधन भी डाले हैं। बिल्कुल एक मिनट में मैं खत्म करूँगा कह के कि भारत का संविधान जो कहता है वही आम आदमी पार्टी कहती है। भारत का संविधान ये कहता है कि हर भारतीय भारतवासियों को अपने घर में हिंदू बन के जीने का अधिकार है, मुसलमान बन के जीने का अधिकार है, क्रिश्चियन बौद्ध बन के जीने का अधिकार है। ये अधिकार जो संविधान ने दिया है उसका आम आदमी पार्टी आदर करती है, लेकिन उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की अपेक्षा भी है कि घर में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध बन के जो घर से बाहर जब निकलोगे तब सिर्फ भारतीय बनकर बाहर। भारत की सब समस्या हल हो जाएगी। और हमारे सारे गुरु जी थे, उन्होंने भारत को लेकर एक बात कही थी कि देखो हमारा शरीर एक ऐसे कोऑर्डिनेटेड ऐसी बॉडी है लेकिन उसके अलग अलग अंग भी है, हाथ है, पाँव है, दिमाग है, आँख है। तो अगर अपने शरीर में पाँव में कहीं काटा चुभता है तो आंसू आँख से बहना शुरू हो जाते हैं, पीड़ा दिमाग में महसूस होती है और वो पीड़ा दूर करने के लिए भागता है हाथ। तो चाहे हमारे अंग अलग अलग है, अलग अलग सब अवयव है, लेकिन फिर भी जो एक शरीर का कोऑर्डिनेटेड तरीके का बर्ताव होता है कि काटा पाँव में होता है लेकिन आंसू तो हाथ से बहते हैं, पीड़ा महसूस होती दिमाग में लेकिन भागता है हमारा हाथ दूर करने। उसी तरह से अगर कोई बंगाली भाई के पैर में काटा छूटता है तो आंसू महाराष्ट्रियन भाई के हाथ में आ जाते हैं, वो पीड़ा
हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को भी महसूस हो और कोई केरली भाई को काटा दूर करने के लिए इस तरीके की एक एकात्मता भारतीय समाज में। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये राष्ट्रीय एकात्मता, कम्युनल राइट्स रोकना, हिंदू मुस्लिम एकता, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तो सिर्फ प्री कंडीशन है जहां से विकास के लिए टेक ऑफ करना है। और वो विकास किस लिए? कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार दिया है उसके लिए। ये सब प्री कंडीशन है हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकात्मता। हमको विकास के रास्ते पर दौड़ना है और भारतीय समाज में ये विश्वास पैदा करना है कि भारतीय समाज जीत सकता है और वो जीत सकता है, ये विश्वास पैदा हो सकता है। वो पॉलिटिकल विल हमको निर्माण करनी है, वो स्वराज के माध्यम से भारतीय समाज के अंदर ये जीतने वाले समाज की पॉलिटिकल विल निर्माण करेंगे और सम्मान के साथ जीने का अधिकार हासिल करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम चिरंजीव है, मैं कॉग्निजन में काम करता हूँ। मेरे क्वेश्चन थोड़े क्रिटिसाइज वाले हो सकते हैं तो आपको बुरा लगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जब हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो जिस दिन इस्तीफा दिया था हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने, तो उन्होंने यह बोल के दिया था कि हम लोकपाल के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, लोकपाल कानून लाने के लिए। लेकिन जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद आज लगभग एक महीना हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं बोला कि हम लोकपाल लेके आएंगे। वो बस केवल एक ही व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ बोलते रहे और हम बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जिस पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया है हम उसके अगेंस्ट एक भी बार नहीं बोल रहे अभी, और हम मतलब एक ही पार्टी है एक ही व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोले जा रहे हैं, तो इससे क्या संदेश जाता है? और दूसरा, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम मतलब जैसे टोपी लगा के आम आदमी के ऊपर आम आदमी की टोपी लगाने से मतलब है, हम लोगों को सामान्य रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कल मुंबई में अरविंद केजरीवाल जी की रैली में उन्होंने जो भाषण किया, भाषण अगर आपने सुना हुआ होगा तो उसमें तो शुरू में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60 साल में जो भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के चलते कांग्रेस नेताओं ने जो संपत्ति इकट्ठा की है उसके बारे में ही उन्होंने बात की। हम दोनों भी यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जो सिंचन घोटाला किया है, टोल टैक्स का घोटाला है या फिर कांग्रेस की तरफ से आदर्श घोटाला है, इनकी तरफ हम बात करते रहते हैं। मुझे सही नहीं लगता है आप जो कह रहे हो। और जन सुनिए, जन लोकपाल का मुद्दा तो हमारे अंदर है ही, अभी अभी उसकी बात किस कॉन्टेस्ट में करेंगे, मतलब चुनाव तो उसी लिए लड़ रहे हैं। और जब चुन के आएंगे, जब संसद में जाएंगे, तो जब इन्होंने मुझे सवाल पूछा कि आप कौन से 3 मुद्दे उठाओगे, तो उसके जवाब में मैंने क्या कहा था कि जनलोकपाल को सशक्त करने वाले जो बाकी कानून है वही मेरा पहला मुद्दा रहेगा। तो ऐसा है, जब आप चुन के जाएंगे, जब आप सत्ता में होंगे या विपक्ष में होंगे तभी ये मुद्दे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकपाल जनलोकपाल के मुद्दे को लेकर सत्ता छोड़ी है दिल्ली की, यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हर रोज थोड़ी रट लगाएंगे, अभी वो तो है ही नकाउतुरमाइन, आगे चलकर वही काम करने वाले। और मैं आपको बताता हूँ कि ये पार्टी कांग्रेस और यूपी और एनडीए के भ्रष्टाचार और अपराधी पार्षद वाले उम्मीदवार के बारे में कहीं भी फर्क नहीं करती है, दोनों एक तरीके से ऐसा है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कोई भी इंसान जब स्टेज पर किसी दिन किसी समूह के सामने खड़ा होता है तो एक भाषण देख के इवैल्यूएट मत, कोई एक भाषण देख के इवैल्यूएट मत करो। अरे भाई, मैं भी इतने सालों से मैं युवाओं के साथ बात करते आया हूँ, लेकिन कई बार मैं अब यहाँ से जाता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये मुद्दा मुझे रखना चाहिए था, ये थोड़ा थक गया। तो कुल मिला के क्या रखा जा रहा है इस पर इवैल्यूएट कीजिए प्लीज। वो बात मुझे बतानी चाहिए, राजनेताओं को सवाल पूछने की प्रवृत्ति आम आदमी पार्टी ने ही जरूर पूछे, आम आदमी पार्टी कभी इसका बुरा नहीं। आपकी राय के साथ सहमत है नहीं है ये जरूर बताएं, लेकिन सवाल पूछने के बारे में कभी बुरा नहीं मानेंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरे, जो एजुकेशन फील्ड में करप्शन हो रहा है, सॉरी एजुकेशन फील्ड में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के डीम यूनिवर्सिटीज क्रिएट हो रहे हैं। आज मेडिकल की सीट 1.5 करोड़ में बिकती है, लेकिन डॉक्टर्स को 25,000 के ऊपर सैलरी नहीं मिलती है। एमडी इसको माय वाइफ इज एमडी, शी इज वर्किंग इन केएम, उसका सैलरी क्या है 25,000 से 30,000 था अभी तक के, एंड शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जब सीट बिक रहे 1.5 करोड़ में डीम यूनिवर्सिटी बना के, तो ये क्या कर रहा है? मीन्स आपने इसका कुछ भी एक्सपोज नहीं किया अभी तक के, और इसके ऊपर किसी ने कुछ बोला भी नहीं है।
डीवाई पाटिल से लेके कर्गोवीर भावरा पाटिल जो भी जिन्होंने बड़े बड़े नाम लगाए आगे पीछे में दे आर ऑल क्रिएटेड डीम यूनिवर्सिटीज खुद ही एग्जाम लेना और खुद ही सीट बेचना और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये इस देश के सामने आज बहुत बड़ा सवाल है और मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जो की है कि छात्र संगठन से हुई है मैं मेरा काम ही कैपिटेशन की विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ है इसमें एक्सपोजर की कोई बात नहीं है इसमें बात है पॉलिसी बदलने की ये नॉन एडेड एजुकेशन पॉलिसी जो है सरकार की उसके खिलाफ आंदोलन करके ये पॉलिसी बदलने की जरूरत है अभी एक्सपोजर करके कुछ नहीं होने वाला है तो मैं तो लगभग मेरे जीवन के 10 साल इसी मुद्दे पे कैपिटेशन की विरोधी लड़ाई करता रहा था तो ये पॉलिसी बदलने आज भी हमारे बहुत सारे संगठन बिल्कुल कमर्शियलाइज्ड एजुकेशन को लेकर और नॉन एडेड एजुकेशन पॉलिसी बदलने के काम कर रहे मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ ये फेयर चांस हर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए और उसको लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से ज्यादा खर्चा होना चाहिए आज 2.75% हो रहा है वो लगभग 6% तक सरकार करेगी तो बहुत सारे छात्रों को बिना पैसे दिए एक अच्छी शिक्षा हासिल होगी आपका मुद्दा सही है वो हमारा मुद्दा है आप लोग ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर बता देंगे कि अगर हमको लोग कुछ करना चाहे तो उस पर कॉन्टेक्ट करके हम लोग आ पाए बिल्कुल I am Jatinder Gill and I was working here with 3D PLM software which is a subsidiary of Geometry. Before that I was working with Tech Mahindra. So my friend raised a question that हम लोग टोपी लगा के क्यों घूम रहे हैं तो वो इसलिए हम भी आप में से ही हैं ठीक है लेकिन देखिए ये इलेक्शन है हमें अल्टीमेटली वोटर्स को ये भी बताना है हमारा चुनाव चिन्ह क्या है ठीक है हर कोई हमें नहीं जानता है हम नई पार्टी है हमें हर एक तक पहुँचना है इसलिए हम लोग पहले तो ये टोपी लगा के घूमने इसका मतलब हम लोग अलग हो गए और जल लोकपाल का मुद्दा आप जो बोल रहे हैं वो मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा है आप देखिए ठीक है वो एक रिटर्न में प्रॉमिस है ऑलरेडी जिसके लिए सब कुछ किया जाएगा आगे ठीक है और मैंने अपनी अभी जॉब छोड़ी है मैं फुल टाइम वॉलंटियर बना हूं ठीक है अगले 17 तारीख को यहां पे इलेक्शन है तब तक मैं पुणे में कैंपेनिंग कर रहा हूं अपने खर्चे से ठीक है उसके बाद मैं अमृतसर जा रहा हूँ अपने होम टाउन वहाँ पे 30 अप्रैल को इलेक्शन है मैं अगले 2 हफ्ते फिर वहाँ पे कैंपेनिंग करने वाला हूँ ठीक है और ये पार्टी अल्टीमेटली एक चीज याद रखिए कि आप गेहूं बोजिंग का बीज डालेंगे तो उस पर चावल नहीं उग सकता तो सोर्स ऑफ फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी 1.5 साल बनने के बाद आम आदमी पार्टी अभी भी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं डिक्लेयर किए तो वो कैसे आपको आंसरेबल होंगे आगे जबकि आम आदमी पार्टी की सारी फंडिंग की सोर्स साइट पे डाली हुई है मैंने खुद पिछले साल मई में 21,000 रुपए डोनेट किए थे उसके बाद मैं कंटिन्यूस डोनेशन करते रहता हूँ सारी डोनेशन साइट पे है फिर भी बार बार हम कांग्रेस बीजेपी के फंडिंग पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाया और आम आदमी पार्टी की फंडिंग पे क्वेश्चन उठा रही है ठीक है तो आप सब अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड सुभाष वारे जी एंड भास्कर जी that they have interacted with you and you have taken out time. How you can support up now? You don't need to leave your job like me. Sitting at your home, you can donate online so that, because clean politics can be done only with clean funds. You can convince your friends, family to vote for up, to support up. And you can always take participate in any way, you are most welcome. Whatever time you can give, okay? Because it is ultimately your party. I thank you once again, everyone. And now Amit Khandelwal will tell you how to get connected. Those of you who want to give more time, who want to volunteer, he will just give you some details. Thanks a lot again to all of you. Jai Bharat, Jai Hind. Friends, basically, lot of you would want to connect with the Aam Aadmi Party and want to work. So, abhi jo hamari party hai, Lok Sabha tak humne constituency-wise teams banayi. कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी पूना में 6 हैं मावड़ में बाकी पिपरी चिंचवड़ मावड़ और हवेदार लोकसभा में आता है तो aap.aappune.org ये हमारी वेबसाइट है पूना की इसके आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके नंबर्स मिल जाएंगे तो अगर आप उनके साथ अगर जुड़ के कुछ काम करना चाहें आप अपने ही जो इन्फ्लुएंस एरिया होता है जो अपनी दोस्त होते हैं अपनी कंपनी में अपने परिचित लोग होते हैं उनमें कुछ अगर अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं और एक्टिवली ग्राउंड पे आके पार्टिसिपेट करना चाहें तो उस लिस्ट में वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वहाँ ईमेल आईडी भी है वेबसाइट पे तो आप उस पर अपने सजेशंस भेज सकते हैं
जैसे हमने कहा कि पूना का संकल्प पत्र बनेगा, विच इज नॉट ओनली फॉर लोकसभा, दिस इज फॉर ऑल दी रिप्रेजेंटेटिव्स, मे बी पार्षद या कॉर्पोरेटर या फिर एमएलए या एमपी, तो इनके जो भी मुद्दे हो सकते हैं उसके लिए सजेशंस आप देंगे तो हम उसको अपने संकल्प पत्र में शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये हमने एक्सरसाइज डेली में भी की थी, और सिंस ऑल ऑफ यू आर वेरी एजुकेटेड और सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, वेल एजुकेटेड, सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो आम आदमी पार्टी का की एजेंडा है, जो सिस्टमिक चेंज की हम बात करते हैं कि स्वराज क्या है, पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जन लोकपाल, सिटीजन चार्टर, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये जो मुद्दे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हमारी भी एक जवाबदारी बनती है एज अ अवेयर और एक्टिव सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हम उस पर थोड़ा बहुत पढ़ें। मैं भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं जुड़ा कि मेरे को कुछ इस पार्टी से मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रे ऑफ होप दिखती है, और जो मुद्दे मैंने जितना पढ़े और मुझे इतना समझ में आया, तो हमारे लिए ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। अगर अभी कोई एज अ वॉलंटियर जुड़ना चाहता है तो मुझसे आगे मिल सकता है।